অবশেষে জয়গাঁও আমাজন স্টোরের ম্যানেজার চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। উল্লেখ্য, গত 27 মে জয়গাঁওর গোপীমোহনে অবস্থিত আমাজন সেন্টার থেকে 11 লাখ টাকা চুরি হয়। সেখানে চুরির ঘটনার পরে 29 মে জয়গাঁও থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে এই চুরির ঘটনাটি অজ্ঞাত কয়েকজন চোর দোকানে প্রবেশ করেছিল। এখানে দোকান চুরির ঘটনায় অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তৎপর হয়ে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে স্টোর ম্যানেজার রুবেল আলম মূল হোতা এবং ডেলিভারি বয় ড্যানিয়েল টোটো মিলে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। জয়গাঁও থানার ইনচার্জ পালজার ভুটিয়া বলেন, তদন্তে দেখা গেছে যে ডেলিভারি বয় ড্যানিয়েল টোটো দোকানে ঢুকে এই চুরি চালিয়েছে এবং ম্যানেজারও তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি বলেন, অভিযুক্ত দুজনেই তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তিনি বলেন, চুরি হওয়া টাকার মধ্যে থেকে আসামিদের কাছ থেকে 2,15,506 টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, আজ তাদের দুজনকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠানো হচ্ছে, যেখান থেকে তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই চুরির সঙ্গে তারা দুজন জড়িত আছে নাকি অন্য কেউ জড়িত আছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ठीक है, सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद जनाता हूँ। जयगांव का हर एक चीज़ का खुलासा आप लोग सब डोर क्षेत्र में आप लोग सुनाते हैं, पुलिस का जो भी अचीवमेंट है। और इस विषय में लेके करता हूँ, 27 तारीख को सुबह में हम लोगों का एक अमेजन कुरियर सर्विस से एक कंप्लेन आया था कि उन लोगों का जो स्टोरेज है वहाँ से कोई अनजान आदमी घुस के वहाँ से 11 लाख रुपए चोरी करके ले गए। इसी बदौलत हम लोगों को FIR रिसीव करके हम लोग एक केस किए हैं 29 तारीख को, चोरी का केस। करते करते हम एक मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ASI शिव दास एवं मेरा संपूर्ण जो टीम है यहाँ का जगहों का, हम लोग का एक प्रयास करके CDR कल डिटेल्स, उन लोगों का CCTV फुटेज, ये घटना सब देख के हम एक कंक्लूजन पे आए। तो आने के बाद में देखा गया कि रूबेल आलम जो मैनेजर करता है और डैनियल टोटो वहाँ पे डिलीवरी जो करता है, इन लोगों का हम लोगों का वहाँ पे सस्पिशन आया। लाने के बाद में हम लोग उन लोगों को इंटरोगेट करने के बाद में उन लोग ने कन्फेशन किया कि हाँ, उन लोग ने चोरी किया है, डैनियल अंदर जाके चोरी करके माल लेके आया और पैसा दोनों में बटा हुआ। तो हाल में आज उन लोगों को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक केस में रिमांड में लेके आएंगे। और फिलहाल हम लोग का 2,15,605 रिकवरी हुआ है पैसा, रिमांड में ले आने के बाद में हम लोग देखेंगे कि बाकी का पैसा हम लोग रिकवरी कर पाएंगे। सर, इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड अभी जो इंटरोगेशन में हम लोगों को जो रिफ्लेक्शन मिला है उसका मैनेजर का यहाँ पे मास्टरमाइंड हम लोग रिफ्लेक्शन पाया हम लोग ने। अरे, ये देख रहा हूँ इन लोगों का एक हैबिचुअल हैबिट हो गया इन लोगों का, करते करते एक डेफिसिट अमाउंट करके ये लोग करके एक चीज़ को नज़रअंदाज करने का, कंपनी को नज़रअंदाज करके ये पैसा को हेर फेर करने का कोशिश किया है। तो हम लोग खुशी नहीं, अभी तक में हम लोग सभी स्टाफ को लेके आए थे, इसमें 2 का इन्वॉल्वमेंट है, उन लोग ने कन्फेस किया है, तो दोनों को अभी आज फॉरवर्ड कर रहे हैं और रिमांड में लेके आएंगे। धन्यवाद। अंजाम थाने पे दिया गया है, उन लोग अरेस्ट करके लेके आए हैं और यहाँ से कन्फ्यूज किया हुआ है, इसके बाद रिकवरी हुआ है। धन्यवाद सर।